हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं क्लास सिक्स के एनसीईआरटी मैथ्स प्लेइंग विथ नंबर्स पार्ट एट, जिसमें कि हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर थ्री से, जो कि क्वेश्चन नंबर थ्री है। राइट द फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द कंपोजिट नंबर। तो मैं बिना क्वेश्चन लिखे इनका आंसर मैं देता हूँ। इसका वन होगा, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूडेड नहीं होता है, वो सिर्फ वन है, एक एक्सेप्शन केस है, इनको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर में चलते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, राइट द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। राइट द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर। फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हम शायद सबसे पहले लेक्चर में आपको सबसे पहले चैप्टर में बताए थे, 49 हो गया सबसे बड़े ये। इनको अब हमको प्राइम फैक्टर्स में मतलब करना है। तो ये एक नंबर है, इधर मैं 3 लेता हूँ, तो इधर हमको इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 3 × 3 × 3। इनको और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, आपस का रिलेशन करने के बाद इतना हो जाएंगे। चलिए इन 3 को अगर एक्सपेंड करते हैं हम, तो 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 × 3 मेरे को करना होगा। अब इस ट्री को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो अगर इससे एक 3 निकाल लेते हैं हम, तो इन इसके दोनों को रिलेशन को अगर हम करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पे 4 1 लेना होगा, 1 × 3 इतना हो जाएंगे ये ट्री। इनके बाद इसको फिर एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे लेना 101, और इधर लेना होगा मेरे को 11। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वापस से ये मिल जाएंगे। तो ये हमारा एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड करने का तरीका आपको मैंने पहले बताया था, और द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 999 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49 आर हो जाएंगे 3 × 3 × 101 × 11। अब देख लीजिए, 1 तो प्राइम फैक्टर्स में नहीं आते हैं, आपको मैंने पहले बताया था 1 नहीं आएंगे, तो 3 × 3 × 101 × 11 सबसे जो नीचे होते हैं ट्री में, जो सबसे नीचे होते हैं, ऐसे कैसे पेड़ में फल लगे होते हैं सबसे नीचे, तो वैसे इस ट्री में सबसे नीचे जो होंगे 3 × 3 × 101 × 11 वो ही जाएंगे प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं। पहले हम स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर अगर हम लिखते हैं 140, ये भी मैंने आपको सबसे फर्स्ट चैप्टर में बताए थे। तो अब इनको हम एक्सपेंड करते हैं एक बार। हम एक्सपेंड करने पे इनको इधर हम अगर 2 लेते हैं सबसे पहले छोटा अंक, तो इधर हो जाएंगे 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे इधर का रिलेशन में, इधर हम इनका हाफ लेंगे 5000। 5000 को अगर एक्सपेंड करते हैं हम, फिर से 2 लेते हैं एक, तो यहाँ जाएंगे 2500। 2500 को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ, 25 अगर ले लेता हूँ, तो फिर इधर हो जाएंगे 100।
25 को अगर एक्सपेंड करता हूँ तो 5 × 5, अगर 100 को एक्सपेंड करता हूँ तो हो जाएंगे 10 × 10, फिर 10 × 10 को एक्सपेंड करता हूँ तो हो जाएंगे 5 × 2, ये भी 5 × 2। काफ़ी आसान ये ट्री है, ये काफ़ी आसान है, आप भी कर सकते हैं इनको। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1 × 4 0 आर, सबसे नीचे जो लटके हुए हैं सारे ट्री में 2 2 2 5 5 5 2 5 2, तो 2 × 2 इनके बाद जाएंगे 5 × 5, इनके बाद 5 × 2 5 × 2, सारे को एक जगह करके लिखते हैं हम 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 1 2 3 3 3 × 5 है और इधर 4, हाँ 4 5 है, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए कंप्लीट है ये प्राइम फैक्टराइजेशन, सही है, मैंने चेक भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। आपको अगर समझ में आ रहे हैं अच्छे से तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं आप लोगों को अधिक से अधिक हेल्प कर सकूं। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड एवरेज them in ascending order now state the relation any between two consecutive प्राइम नंबर्स। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 729 एंड एवरेज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, नाउ स्टेट द रिलेशन इट एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। जैसे हम 17 यहाँ पे दिया हुआ है, 1729 को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो इधर हम 7 अगर लेते हैं, इधर एक्सपेंड करके आप इधर लाइएगा तो 247, 7 से डिविजिबल इसमें कीजिए पता चल जाएगा आपको, 247 को एक्सटेंड कीजिएगा 13 × 19, तो प्राइम फैक्टराइजेशन अब इतना है। इनका कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे पूछा गया है, तो इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1729 का हो जाएंगे 7 7 × 13 × 19, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम इज 6। देखिए इनका कॉन्सिक्यूटिव मतलब कि कॉन्सिक्यूटिव प्राइम इज 6 6, कैसे है आप इनके बीच का डिफरेंस देखिए, कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सिक्यूटिव टर्म है, बीच का डिफरेंस 6 है, 13 में से 7 गए 6, 19 में से 13 गए 6, तो यही कॉन्सिक्यूटिव हमारा जो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम था यही पूछा जा रहा था, जो कि 6 होगा, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6 also divisible by 6, verify this statement, which of the
help of some examples. The product of three consecutive numbers is also divisible by 6. Verify this statement. Which of the following help of the examples? चलिए इसका सॉल्यूशन लेते हैं हम. तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू 24, ठीक. दूसरा एक लेते हैं, अगर हम 4 इंटू 5 इंटू 6 बराबर 120. तो आप इसमें देख सकते हैं कि 3 कॉन्सिक्यूटिव हम नंबर्स लिए हैं जिनका कि डिफरेंस तीनों का, जैसे 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, और 6 में से 5 गया, यहाँ भी 1 हो जाएंगे, 4 गया यहाँ भी 1 हो जाएंगे. और 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है एंड 4 से भी डिविजिबल है. ये ऐसा ऐसा मैंने दो एग्जांपल ले लिया. ये दो एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स में हमको लिखने के लिए कहा गया था. ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 से भी डिविजिबल हो जाएंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स is always divisible by 4. Verify this statement. With the help of some examples. चलिए इसको भी हम वेरीफाई करते हैं. 3 + 5 = 8. द सम ऑफ द 3 कॉन्सिक्यूटिव, हम 3 कॉन्सिक्यूटिव लेते हैं, जैसे 5 + 7 = 12, 7 + 9 = 16, और 9 + 11 = 20. ये देखिए सारे नंबर्स आर डिविजिबल बाय फोर. आप चेक कर लीजिए, सारे नंबर 8, 12, 16, 20 ऑल आर डिविजिबल बाय 4. ये सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह 8 भी था, सभी से बन जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन has been done. Question number A. 24 = 2 × 3 × 4. B. 56 = 7 × 2 × 2 × 2. C has 70 = 2 × 5 × 7. D, option D में 54 = 2 × 3 × 9. तो अब हमको चेक करने हैं द फ्लोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, किसमें प्राइम फैक्टराइजेशन है किसमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है. तो मैंने चेक किया बी में, मैं देखता हूँ बी नंबर चेक करके. 56 का हम ट्री के, कैसे मैंने ट्री बनाया था, ऐसे ट्री बना के देखते हैं. 7 इधर लिया, इधर 8 लेना होगा मेरे को. 8 7 जा
56। जस्ट उसी तरह हमको 8 को भी फिर हमको ट्री में बनाना है, तो 8 को ट्री में बनाने के लिए हमको करना पड़ेगा इधर 2 इधर 4। अब 2 और 4 को इसको इधर 2 इधर भी 2, ये हो गए। अब सी नंबर में चेक करते हैं, डी एक सी नंबर चेक करते हैं, सी नंबर भी इनके हो जाएंगे आंसर 70। 70 को अगर एक्सपेंड करते हैं हम तो इधर जाएंगे 7, तो इधर हो जाएंगे 10। 10 को एक्सपेंड करते हैं अगर हम तो इधर हो जाएंगे 2, इधर जाएंगे 5। तो ये दोनों का अगर लिखा जाए तो 2 × 5 × 7, 2 × 5 × 7 इनके सी नंबर क्या रहे हैं, सी में आप चेक कीजिए 2 × 5 × 7 ये सही है। अब डी में चेक कीजिए, तो आप डी में अगर चेक करेंगे तो 54 का हो जाएगा 2 × 3 × 9, तो 54 में हो जाएंगे 2 54 54। यहाँ देखिए आप चेक कीजिए 2मैंने फिर बी नंबर शायद क्वेश्चन मैंने गलत लिख लिए थे, नहीं सही लिखा हूँ, यहाँ मैंने गलत लिख दिया बी नंबर 56 इक्वल 7 × 2 × 2 × 2। यहाँ पे देखिए वही आया है 2 × 2 × 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 7। तो डी नंबर भी आपका राइट है, बी नहीं डी नंबर भी आपका राइट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन इफ determine if 251110 is divisible by 45, prime factorization of 45 equal हो जाएंगे 5 × 9। प्राइम फैक्टराइजेशन सभी को आते हैं, 0 और 5 अगर यूनिट प्लेस पे हो तो वो डिविजिबल हो जाएंगे किससे, 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। अगर सम ऑफ डिजिट सम ऑफ डिजिट होंगे वो डिविजिबल हो जाएंगे 9 से, देयरफॉर द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 5 × 9 = 45। जो 5 से और 9 से दोनों से डिविजिबल हो जाएंगे तो ये दोनों के मल्टीपल से भी डिविजिबल हो ही जाएंगे। आपने आपको इसका मैंने कॉन्सेप्ट दिया था पिछले लेक्चर में, आप जो नहीं देखे हैं पिछले लेक्चर उल्टा के देखिए कि अगर किसी नंबर को कोई दो नंबर से डिविजिबल है तो उन दोनों का प्रोडक्ट से भी वो नंबर डिविजिबल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी लंबा है, चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3। 18 एक नंबर है जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल, ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहे हैं। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ये 2 × 3 = 6, ये 6 से भी डिविजिबल हो रहे हैं, सही है। सिमिलरली ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और 6, वी कैन से दैट द नंबर मस्ट बी डिविजिबल 4 × 6 = 24, इफ नॉट गिव द एग्जाम्पल जस्टिफाई योर आंसर। चलिए बनाते हैं इसको हम सॉल्यूशन।
number 12 is divisible by both 6 and 4, but 12 is not divisible by 24. देखिए ये काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है। यहाँ मैंने अभी कॉन्सेप्ट क्या बताया, दो और तीन दोनों से 18 डिविजिबल हो जा रहे हैं, बट इनके मल्टीप्लिकेशन करने पे 6 हो रहे हैं, 6 से भी डिविजिबल हो जा रहे हैं। यहाँ पे अब क्या एक क्वेश्चन यहाँ पे अभी बताया गया था कि 4 और 6 दो नंबर हैं जो कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 24 हो रहे हैं, तो 24 मतलब 24 जो है 12 से डिविजिबल होंगे, तो मतलब 24 से डिविजिबल 12 होगा, तो 24 का अगर हम मल्टीपल लिखते हैं तो 24, 48, इस तरह 72, इस तरह एक्सेट्रा चले जाएंगे। ये कभी अपने से छोटा नंबर से डिविजिबल होगा, कभी 12 से डिविजिबल होगा, नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 12, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर having four different prime factors, can you find me? I am the smallest number having four different prime numbers, कोई चार different prime numbers का वो मतलब कि एक different smallest number है, बोलता है मेरे को फाइंड किया जाए। तो चार डिफरेंट हम सबसे पहले प्राइम नंबर लिखते हैं, प्राइम नंबर 2, 3, 5 और 7, यही तो एक प्राइम नंबर है जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो ये कह रहे हैं कि उनका मल्टीपल जो होंगे वो 2 × 3 × 5 × 7, 210। कैन यू फाइंड मी, मतलब हम मैं कौन सा नंबर हूँ जो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर का मल्टीपल हो, तो 210। आपको ये अगर समझ में आया, सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, और दोस्तों में भी सभी को शेयर करना है। सो थैंक यू।